हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज थी एक्सपायरी और एक्सपायरी के अंदर मूव भी आई पूरा दिन तड़पाने के बाद। हम एनालिसिस करेंगे एक्सपायरी में क्या हुआ, क्या लेवल्स थे, किस तरीके से हमने ट्रेड किया। साथ के साथ हम ट्रेड प्लान बनाएंगे फ्राइडे का जो कि रहेगा 2nd of June, दिन रहेगा शुक्रवार। चलो, मार्केट ने गाइज 100 पॉइंट प्लस प्लस का गैप डाउन दिखा रही थी। एक्सचेंज धोखा देते हुए मार्केट खुली गैप अप। वो क्यों खुली? क्योंकि हमारी संजीवनी स्ट्रैटेजी रोज 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 फेल नहीं होती मेरे भाई। संजीवनी स्ट्रैटेजी जो एक दिन पहले फेल हुई थी, उससे पहले लगातार 11 डेज फुल पैसा बना के दिया। 11 डेज के बाद एक दिन फेल हुई, उसके बाद आज सुबह गैप अप हुआ, पैसा बना और मार्केट ने पूरा दिन रुलाया। एक साइडवेज मार्केट रही अच्छी खासी, ऊपर की तरफ ऊपर नीचे करती रही, एक लेवल बनाती रही। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न बनता रहा। और ये जब ये पैटर्न का ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट जिस तरीके से गिरी है गाइस, 43,900 का पुट मेंबर्स के साथ पे थे, 12 रुपये से 140 रुपये का, 140 रुपये बूम थे बाम। एक्सपायरी की मूव मजेदार, पूरा दिन फ्रस्ट्रेटिंग दिन था, कोई मूव नहीं दिया। जो मूव आया वो शाम को 2 बजे के आसपास, 1:55 के आसपास मूव शुरू हुआ है। 2 बजे के बाद ही मार्केट में जो है एक मोमेंटम ऑप्शन बाइंग का आता हुआ आपको दिखाई दिया है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर गाइस बहुत ही चॉपिंग दिन था निफ्टी, लेकिन फिर भी वीक थी। यहाँ पर इसने एक ये पैटर्न बनाया, बहुत कम लोग इसको पकड़ पाए, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया और पूरा का पूरा टारगेट सेम डे पे दिया। बहुत कम लोग पकड़ पाए गाइस, बहुत कम लोग पकड़ पाए हेड एंड शोल्डर जब इसने फॉर्म किया था, क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन था बहुत ही अब्रप्ट था, ठीक है, क्लियर नहीं था। चलो ये लेवल करते हैं डिलीट और एनालिसिस करते हैं, कोशिश करते हैं कि अब कल का प्लान क्या हो सकता है। जो होना था वो हो गया, लेकिन कल क्या हम प्लान कर सकते हैं। डेली के चार्ट के ऊपर आते हैं तो गाइस आपको मैंने एक चीज बताई थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। अब वो जितने भी यूट्यूबर्स जो बुलिश ATH ये वगैरह वगैरह कर रहे थे वो ठीक है भाई। आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये क्लोजिंग आई थी, इसके बाद में शॉर्ट टर्म टू, या तो शॉर्ट टर्म होगा या क्या होगा लॉन्ग टर्म, एक डाउन ट्रेंड होता ही होता है मेरे भाई। इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम 3-4 कैंडल। ये कैंडल दूसरी कैंडल थी जिसने ब्रेक नीचे के दिया था, ये कैंडल बननी थी भाई, ये बननी ही थी। जो जिन्होंने पोजिशनल ट्रेड लिया था काफी अच्छा पैसा भी बना हुआ नीचे की तरफ। अभी यहाँ पर रुकी है, ये टूटेगा नीचे की तरफ आएगी। अक्सर क्या होता है गाइस, इतनी बड़ी जब कैंडल बनती है ना तो एक गैप अप देखने को मिलता है। हालांकि संजीवनी स्ट्रेटजी गैप डाउन बोल रही है, लेकिन जब भी ऐसा होता है देखो, ये बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ, राइट, ये बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ, ये बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ, ये बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ था, नीचे गिरी लेकिन गैप अप हुआ, ठीक है। ये बड़ी तो नहीं बोलूंगा लेकिन बड़ी फिर भी गैप अप हुआ, ठीक है। ये बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ, ठीक है, ये बड़ी कैंडल बनी, ऑलमोस्ट बड़ी है बट गैप अप हुआ। तो जब जब निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी कैंडल बनती है, गैप अप के चांसेस बढ़ जाते हैं, गैप अप के चांसेस बहुत रेयर होता है। ये देखो बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ, बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ, बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ, बड़ी कैंडल बनी गैप अप हुआ। तो जब जब एक लाल कलर की बड़ी कैंडल बनती है गैप अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको वेरीफाई कर रहा है कौन, डाउ जोन्स। डाउ जोन्स अभी फ्लैट से बिल्कुल ग्रीन में आ चुका है, हो सकता है कि मार्केट होते होते ये भी आपको ग्रीन में दिखाई दे। संजीवनी जैसे बोल रहा है गैप डाउन, लेकिन जो प्राइस एक्शन है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ, दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई हमारी जो पोजिशन है वो बड़ी स्मॉल है, लेकिन बड़ी पोजिशन हमारी पोजिशनल है, बड़ी पोजिशन पोजिशनल है। ये था बैंक निफ्टी। निफ्टी की कैंडल के देखे तो निफ्टी की कैंडल भी ठीक ठाक बनी है, अच्छी खासी बनी है, बट ये पूरा गैप फेल हो गया और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड अगेन आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न काम कर रहा है। इस कैंडल ने कल क्लोज किया था, दूसरी कैंडल ने नीचे गिर रहा था, दोनों तरीके से तीनों इंडेक्स के अंदर सेम काम कर रहे हैं। इसको डिलीट करें तो सेम आइलैंड रिवर्सल कैंडल ने अपना काम किया है और नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा गॉडज़िला कितना अच्छा चला है, पूरा दिन बाइसेल चल रहा था, ये लाइन खींच के रखी थी, जैसे ही टूटा इसने यहाँ पर ठोको दिया, ठोको के बाद में क्या बड़ा टारगेट थी मस्त कंफर्मेशन के साथ में। जो मैं कंफर्मेशन लेता हूँ, ट्रिपल कैंडल की कंफर्मेशन, 1-2-3 कैंडल की कंफर्मेशन, उसके बाद में मस्त तरीके से तो इंडिकेटर ने क्या मजेदार काम किया है। तो ये इंडिकेटर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, ऑप्शन मास्टरी
ऑप्शन मास्टरी के वर्कशॉप वालों को जिन्होंने ज्वाइन किया था, और जो ट्रेडिंग मास्टरी 9 जुलाई को ज्वाइन कर रहा है उनको भी दे देंगे, उनको भी दे देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, देखते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, देने देंगे, सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने सोचा था सिर्फ फेस टू फेस वर्कशॉप वालों को देंगे, देखते हैं कि क्या करते हैं, मोड पे डिपेंड करता है। बाकी अभी यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँ ना, बहुत मजे आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर 1 आवर के चार्ट पे आया था वो ना, कि जिन लोगों ने सीखा है भाई अच्छा पैसा बना के, मैं बोल रहा हूँ कुछ और सीखो ना सीखो, एप्लीकेशन से फिबोनाची का कोर्स जरूर कर लेना, थोड़े से पैसे जरूर जाएंगे, और ये भाई 400-500-600 रुपए के कोर्स के अंदर ना डिस्काउंट मान के ना तो अपनी अपनी बेइज्जती करा करो यार, ना मुझे बोला करो, टीम मेंबर बोलते हैं सर 500 रुपए के कोर्स के ऊपर भी ना लोग डिस्काउंट मांग रहे होते हैं, यार तुम मार्केट में डिस्काउंट जाके ना जब लॉस कर रहे होते हो ना तो जाके एक बार डिस्काउंट मांग के देखा करो, मार्केट मार्केट प्लीज आज मेरी कम लेना, ठीक है। और जब लॉस हो रहा होता है तब तो उससे मार्केट से निगोशिएट नहीं कर पाते, मार्केट में 5 लाख का लॉस, 10 लाख का लॉस, और यहाँ पर 500 रुपए के स्टॉक के लिए आपको मतलब भीख मांग रहे होते हैं कि डिस्काउंट दे दो उसके अंदर भी, वो ऐसा क्या कैसे चलेगा भाई, ये एटीट्यूड रखोगे तो फिर पैसा वापस कैसे आएगा। अगर तुम अपनी लर्निंग के ऊपर भी 1000 रुपए तक नहीं खर्च सकते हो ना तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दो, सच्ची बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग छोड़ दो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदो, मुझसे खरीदो भाई, किसी के भी पास जाके अगर खरीदने वाले हो ना तो भाई पैसा लगेगा, 500 रुपए भी नहीं खर्च सकते हो तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दो। एक ट्रेडर 500-1000 रुपए के बारे में कभी सोचता नहीं है, कभी नहीं सोचता है, और अगर आप सोच रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, नौकरी छोड़ दो, ये ट्रेडिंग छोड़ दो, सिंपल सी चीज है। नहीं मेरी कैपिटल कम है, अरे भाई कैपिटल कम है तो ट्रेडिंग मत करो ना, काम करो, नौकरी करो, जब कैपिटल आ जाएगी तो करना ट्रेडिंग। बाकी यूट्यूब के ऊपर फ्री में लर्निंग दे रखी है, उससे सीख के कमाओ पैसा, जरूरी है कि आपको यही पेड़ वाली वर्कशॉप लेनी है, 500 रुपए वाली भी लेनी है तो कौन जाने 500 के रेपी कौन डिस्काउंट कैसे मांग सकता है, मुझे वो भी समझ में नहीं आता। एनीवेज मार्केट गिरी, ऊपर गई, फिबोनाची से सपोर्ट लिया, जिन्होंने इस वर्कशॉप सीखा है एग्जैक्टली पूरा टारगेट आपको आता हुआ दिखा है 100%, और एक्सटेंडेड टारगेट भी इसका आता हुआ दिखाई दिया है, पिन पॉइंट टारगेट आपको देते हुए मार्केट जो है दिखाई दिया है, फिबोनाची की ट्रेड भी बहुत अच्छी चली, और ये जो ट्रेडिंग विद तरुण का फॉर्मूला है, ट्रेडिंग विद तरुण का फॉर्मूला पूरा का पूरा फूला यहाँ पर फॉर्मूला काम किया, नीचे ये भी काम किया, बहुत अच्छे तरीके से पैसे बने हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कोई सेटअप बन रहा है कल के लिए जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 30 मिनट्स के ऊपर, सॉरी, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है गाइस, कुछ दिखाई दे रहा है? काफी लोग बोल रहे हैं बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मार्केट में मैंने आपको ये भी बोला था कि ये एक एम पैटर्न का कंस्ट्रक्शन है और मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसकी गोल्डन पॉकेट थी, मार्केट ने इसका भी ब्रेक डाउन दे दिया, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला नंबर आपको आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इन द मिडल इट हैज मेड अनदर पैटर्न कॉल इन्वर्टेड अप एंड हैंडल, लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एक हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है, ये इसका छोटा सा शोल्डर है, शोल्डर इम्बैलेंस है, पोलियो हो गया, इसको पोलियो मान सकते हो कि पोलियो हो गया, लेकिन ये नीचे की तरफ आया, मोस्ट लाइकली अगर हमारी प्राइस एक्शन की थ्योरी ठीक रहती है और कल गैप अप होता है तो मार्केट एक तरीके से यहां से ऊपर की तरफ आके इस ट्रेंड लाइन तक वापस सुबह कल आपको मिल सकती है, और यहां से फिर नीचे की तरफ गिर सकती है, जो भी आपकी रैली है, कितने पॉइंट की रैली है, यहां पर एक बार देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स हैं, यहां से लगभग 500 पॉइंट्स नीचे की तरफ गिर सकती है, 500 पॉइंट यहां से अगर मैं लेके चलूं कितना बनता है, अब ये लो मान के चलो, एम का पूरा टारगेट और ये पूरा लो आपको आता हुआ दिखाई देगा, सब मेरे अराउंड 43,400 के लेवल आपको आराम से आते हुए दिखाई देंगे। गाइस मेरे लॉन्ग टर्म पोजिशनल टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 17,045 और 41,500, ये मेरे पोजिशनल टारगेट है, कैसे आएंगे क्यों आएंगे इसके ऊपर दिमाग मत लगाने के लगाइएगा, इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कीजिए जो आपको चार्ट के ऊपर समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बायर्स को ट्रेन में बिठाना बाकी है, तो यहाँ पर बायर्स को ट्रेन के अंदर और बिठाया जाएगा, और कल एक गैप अप देखे ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं, हालांकि संजीवनी गैप डाउन बोल रही है, लेकिन जो मुझे मेरी गट फीलिंग आ रही है मैं उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट मेरी गट फीलिंग पे नहीं चलती है, मार्केट चलती है प्राइस एक्शन पे, मार्केट चलती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो एनालिसिस हो रहा है वो उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो गैप अप हो या गैप डाउन हो
मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ये हेड एंड शोल्डर रहते एक बार रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जाएगी और हमारी जो गैप अप की थ्योरी है वो यहाँ पर काम में आ सकती है। सेम चीज अगर निफ्टी के अंदर देखने की कोशिश करें तो सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। इनफैक्ट ऑन आवरली चार्ट यहाँ पर आपको एक पुष्पा पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं ना पुष्पा पैटर्न, वो दिखने को आएगा। ये यहाँ से ये पैटर्न देखने को आएगा और मार्केट ने मोस्ट प्रोबली लगभग 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 इस टाइम के क्लोजिंग नहीं दी है अभी। जो 18,000 ये जो लेवल है ना 18,486, ठीक है, ये इसका लोज के आसपास का ही आ रहा है, 80 के आसपास का आ रहा है। 80 के नीचे अगर 86 ऊपर क्लोजिंग दिए, 80 के नीचे अगर क्लोजिंग देता तो ये भी लेवल चालू हो जाएगा। सबसे पहला टारगेट आपका बनेगा ये वाला, दूसरा टारगेट बनेगा ये वाला, ठीक है। और ये वाले से मेरा मतलब है एग्जैक्ट लेवल अगर आपको निकाल के देने हो तो ये होगा आपका पहला टारगेट, देखिए 18,419 का, और दूसरा टारगेट होगा 18,225 का। ये नीचे के लेवल बनेंगे, क्या है ये एम पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न बनेगा ये पूरा का पूरा, यहाँ से इसके नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो सेफ ट्रेडर बैठ सकते हैं 18,480 के नीचे, अगर मार्केट गिर सकती है तो आराम से आप इसके नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन क्लोजिंग एक बार मैंने देखी नहीं है कि ऊपर आई है नीचे आई है, 18,486 87 पास भी आई है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 43,790 पोस्ट क्लोजिंग कहाँ आई थी यार, यहीं आई थी क्लोजिंग, ऊपर नीचे नहीं आई क्लोजिंग, जहाँ क्लोज हुआ वहीं पे आई है मार्केट की क्लोजिंग। ओके चलो बढ़िया, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया ये एम पैटर्न जो बन रहा है इसका पूरा का पूरा टारगेट आपको नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर लगाएंगे हम 50 और 200 EMA। ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर ही कन्फ्लुएंस सपोर्ट लेके यहाँ पर बंद किया है मार्केट को। ये जब लेवल टूटेगा 50 EMA मार्केट हो जाएगा बेरिश और हमारी रोलर कोस्टर स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसका टारगेट भी ये लगभग इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये वाला टारगेट पूरा यहीं पर आएगा 200 EMA के लिए, आपका टारगेट बनेगा, एक पोजिशनल ट्रेड बन जाएगी। सो नेक्स्ट वीक, मोर ओवर नेक्स्ट वीक अगर मैं बोलूँ कि अगर मार्केट 18,500 के नीचे ही रहती है तो नेक्स्ट वीक के लिए जो मेरा पोजिशनल टारगेट है वो है 18,225, लगभग लगभग 250 पॉइंट्स का फॉल मैं कल नेक्स्ट वीक आते हुए देख रहा हूँ। तो उसका आपको ध्यान एक मिनट के लिए रखना है कि मार्केट ऐसा काम कर सकती है। ये आपका रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर 50 और 10 EMA की बात करूँ तो यहाँ पर उसकी एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है और नीचे की तरफ का वो टारगेट है। मेरा जो मेन लेवल है गाइस वो लेवल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है 43,342। इसके नीचे मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी पोजिशन बनेगी इसके नीचे और अच्छा पैनिक आपको देखने को मिलेगा मार्केट में आना। लेकिन इसके नीचे मार्केट कब जाएगी मेरे को लगता है जब मार्केट में कोई अच्छी वाली न्यूज आएगी, अच्छी मतलब नेगेटिव न्यूज आएगी वही मार्केट को गिराएगी, क्योंकि मार्केट को गिराना इतना आसान नहीं है। मार्केट जितने डिप मारती है ना उतना उछाल ले लेती है, तो कल अगर उछाल मारती है तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये ऑपरेटर की चाल है मार्केट को टांग के रखना है और आज जैसे लाल बनाए कल एक ग्रीन बना देंगे, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना, तो फ्राइडे बड़ा ही इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। उसके पीछे एक और रीजन है कि मार्केट के अंदर सो फार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है वो बनी है ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, और कल इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमारा गैन रूल भी एक्टिवेट हो जाएगा और नेक्स्ट वीक डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा कि एक बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। सो फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल बेसिकली मिस मत कीजिएगा देखने के लिए कि मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग देती है। हाई चांसेस एक और है गाइस किस चीज के, वेरी गुड फीलिंग है, ठीक है, कि मार्केट कल एक गैप अप देखे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बंद करेगी ऐसे, तो मार्केट में अभी न्यूज नहीं आई है, मार्केट को थोड़ा सा और टांगना है और ये जो जोन है ये टांगने वाली जोन है, क्योंकि इस जोन के नीचे है बेरिशनेस, ठीक है, लेकिन ये जोन मैं अभी भी टांग के रखना है। तो ये ऑपरेटर की चाल हो सकती है कल एक यहाँ पर ग्रीन ओपनिंग करके और ये काम कर दे, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का कंस्ट्रक्शन कर दे, ना करे तो बहुत अच्छा है, बट ये जिस तरीके से डाउ जोन्स ऊपर भाग रहा है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट बिना न्यूज के नहीं गिरेगी। बाकी कल देखते हैं कल क्या होता है, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। नहीं लेवल्स तो दे दूं, ऐसे कैसे जाने देंगे, लेवल दे देता हूँ फटाफट, पासवर्ड करके आपको लेवल देता हूँ कल के लिए, जिन लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना है
और वो लेवल्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये ले आ रहे हैं। मार्केट सी लग रही है भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन 18,556 के ऊपर भाई का पोजीशन, पहला टारगेट 18,624, उसके ऊपर आपका 18,674 का टारगेट होगा, मेन लेवल रहेगा कल 440 का। ये नीचे अगर टूटता है तो रैली के लिए तैयार रहना, नीचे की पहली रैली आएगी 18,394 और 94 के नीचे एक बड़ा रैली आएगा। अगर ये लेवल कल टूटता है तो कल रैली, जैसे आज शाम को क्लोजिंग के टाइम पे देखिए ना, एक और रैली आपको देखने को मिलेगी 18,323 की। अगर मार्केट गैप अप होना की इसको तोड़ती है फिर से ये चौपी जोन में फंस जाएगी, कल पूरा दिन ड्रामा करेगी। अगर गैप अप हुई इसको तोड़ के यहाँ पर ना, फिर चौपी हो जाएगी, ठीक है। तो बाय साइड पे उतना ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन सेल साइड पे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देके नीचे की तरफ गिरती है तो, ठीक है। बैंक निफ्टी में 44,078 के ऊपर चौपी मार्केट है, कुछ नहीं मिलने वाला है। 44,347 पहला टारगेट और ऊपर की तरफ से आपका दूसरा टारगेट होगा 44,566। चांसेस कम है, मार्केट गैप अप भी होता है तो यही 44,347 के नीचे बंद होगा, और 43,600 के नीचे अगर निकलता है तो भाई सिंपल से बैठ जाना यहाँ पर, ठीक है, सिंपल से बैठ जाना 43,427। याद रखना एक लेवल मैंने आपको पहले भी दिया था, वो दोबारा से एक्टिवेट होगा 750। इसके नीचे दो टारगेट बनते हैं 43,650 एंड 43,545। ये बड़ी स्पीड से आने वाले टारगेट है इसके नीचे। तो कल अगर मार्केट 790 के नीचे, 750 के नीचे निकलती है तो भाई 43,650 एंड 43,545 स्पीड से आना आ जाए, ठीक है। 43,500 के ऊपर बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, वहां से जंप भी मारेगा, लेकिन 540 के लेवल आपको दिखा सकता है। ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग में तरंग के अंदर शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हैं और बना सकते हैं साथ के साथ। गाइज वो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी वर्कशॉप दिल्ली में हो रही है, डे ट्रेडर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन 25th of June, वो ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ये रही वर्कशॉप, डे ट्रेडर सर्टिफिकेशन वर्कशॉप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ के साथ में मिल जाएगा। एंड यू आर गेटिंग फ्लैट 50% ऑफ ऑन रजिस्ट्रेशन, कम एंड ज्वाइन व्हेन यू बुकिंग, यूज द कोड बर्थडे एंड एंजॉय द डिस्काउंट ऑन दिस। दिस इज आई एम गिविंग 50% डिस्काउंट बिकॉज इट्स अ बर्थडे मंथ फॉर अस, and that's why we are giving this discount। इसके अंदर आपको बहुत सारी वर्कशॉप, चिराग स्ट्रैटेजी, संजीवनी स्ट्रैटेजी, 245 स्ट्रेट का सेकेंड पार्ट जो बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में चलता है। आज भी इसने रेड कैंडल प्रेडिक्ट की थी और रेड कैंडल बनी है 3 बजे की, बहुत अच्छे तरीके से आपको पैसे देता है। कम ज्वाइन अस लर्न, उसके अलावा भी बोनस चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। दिस 50% डिस्काउंट इज ओनली फॉर फर्स्ट 30 पीपल, मोर देन 12 पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो जो भी सॉरी 20 पीपल, तो 8 सीट और बची है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो गो अहेड एंड रजिस्टर टुडे, एंड आई सी यू गाइस ऑन 25th of June। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।